साथियों, हमारा गरीब इन वर्षों में जिस तरह जनधन खातों से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा है, उसने एक नई शुरुआत की है। अब बहुत जल्द शहरों की तरह हमारे गांव भी ऑनलाइन मार्केट से जुड़ेंगे। दुनिया का बाजार हमारे गांवों तक जुड़ जाएगा। इस बार 15 अगस्त को देश ने इसके लिए एक संकल्प लिया है। देश के सभी गांवों को अगले 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा, यानी गांव गांव में, घर घर में तेज इंटरनेट पहुंचेगा। इससे डिजिटल क्रांति के फायदे भी उतनी ही तेजी से गांव तक, गरीबों तक पहुंचेंगे। इसी तरह देश ने डिजिटल हेल्थ मिशन की भी शुरुआत की है, यानी अब हर देशवासी को एक हेल्थ आईडी मिलेगी। आपकी सारी जानकारी सुरक्षित तरीके से उसमें रहेगी। इस आईडी की मदद से आप डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन ले सकेंगे और हेल्थ चेकअप और रिपोर्ट्स भी ऑनलाइन ही दिखा पाएंगे। यानी एक तरह से देखें तो पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से बीमा सुरक्षा मिली, फिर आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिला, और अब डिजिटल हेल्थ मिशन से आसान इलाज की सुविधा भी मिलने जा रही है। साथियों, देश का प्रयास है कि हर एक देशवासी का जीवन आसान हो, हर एक देशवासी समर्थ हो, सशक्त हो, और सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर हो। हाल में सरकार ने शहरों में आप जैसे साथियों के उचित किराए में बेहतर आवास उपलब्ध कराने की एक बहुत बड़ी योजना उसको शुरू की है। एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा से आप देश में कहीं भी जाएंगे तो अपने हिस्से का सस्ता राशन आप उस शहर में भी ले पाएंगे। आप जहां जाएंगे आपका हक भी आपके साथ साथ चलेगा। साथियों, अब जब आप नए सिरे से अपने व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं, तब आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी होगी। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, कोई तरीका नहीं निकल आता, कोरोना का खतरा बना ही रहेगा। ऐसे में आपको अपनी भी और अपने ग्राहकों की भी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना है। मास्क हो, हाथ की साफ सफाई हो, अपने स्थान के आसपास की साफ सफाई हो, 2 गज की दूरी हो, इससे किसी भी स्थिति में समझौता मत करना। कोशिश ये भी करनी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल भी न करें। आप कोरोना से बचाव के जितने इंतजाम अपने ठेले या अपनी पटरी पर करेंगे, लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा और आपकी दुकानदारी भी बढ़ेगी।